Good morning, children. Today we are going to start our new chapter, chapter number 2. And the chapter name is Role of Computers. In this chapter, you will be learning two things: the uses of computers at various places, and the second thing is role of computers in enhancing learning and teaching. And after completing this chapter, you will able to know the uses of computer. किन किन क्षेत्रों में किन किन कार्यों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं. कंप्यूटर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कंप्यूटर किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में हम उनका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है उन कार्यों को करने के लिए, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Here is written, computers plays an important role in our day-to-day life. हमारी रोजाना की जिंदगी में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Nowadays, you can see computers being used at almost all places. आप अभी के दिनों में देख सकते हो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में कई कार्यों के लिए किया जाता है. Let us read about the uses of computers at some common places. Now what we are going to read? We are going to read the uses of computer, computer ka istemal karna, at some common places. Kin kin kshetron mein hum computer ka istemal karenge, use aaj hum padhne ja rahe hain. In some common places, the first place is where we use computer is in our home. At home, okay? Here is given some points. So let's start. The first point is playing games. जो पहला point दिया हुआ है वो है playing games. Computer में हम क्या कर सकते हैं? Game खेल सकते हैं. The second point, watching cartoons and movies. आप computer TV में हम cartoon और movies देखते, right? But कार्टून और मूवीज हम कंप्यूटर में भी देखते. द फोर्थ थिंग इज गिवन लिसनिंग टू म्यूजिक. अब गाने को हम कंप्यूटर के द्वारा भी सुना जा सकता है. एंड द फोर्थ थिंग इज ड्राइंग एंड कलरिंग. ड्राइंग करना जो हर बच्चों को अच्छा लगता है, ड्राइंग करना, कलर करना, तो ये सारी चीज़ें हम घर में कंप्यूटर के दौरान कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं. प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज, listening to music and drawing and coloring. And the second place where we use computer is in hospitals. अब हम देखने जा रहे हैं कि अस्पतालों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, किन किन कार्य के लिए किया जाता है. हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या होता है, कौन आते हैं हॉस्पिटल में? स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं. हॉस्पिटल में वो लोग आते हैं जो लोग बीमार होते हैं और वो अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल आते हैं ना. फर्स्ट थिंग इज गिवन हियर, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट. पेशेंट दैट मीन्स बीमार व्यक्ति, जो बीमार होता है, मरीज जो होता है ना, जिसे मरीज कहते हैं हिंदी में, जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आता है. और जैसे एक क्लास में टीचर अटेंडेंस रजिस्टर रखती हैं जिसके अंदर सारे बच्चों के नाम लिखे होते, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं और आज के दिन में कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट है, इसको पता करने के लिए डेली अटेंडेंस होता है, राइट? रोल 1, 2, 3 लाइक दैट. तो ठीक उसी तरह रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमारे अस्पताल में कितने मरीज आए हैं, है ना, किस दिन आए हैं, किस दिन वो एडमिट हुए हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड्स रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट, ओके. एंड द सेकेंड थिंग इज परफॉर्मिंग टेस्ट टू डायग्नोस अ डिजीज. किसी भी बीमारी का, व्यक्ति के अंदर जो बीमार होता है उसके अंदर क्या बीमारी है, उस बीमारी का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाता है. एंड द फोर्थ थिंग, प्रिंटिंग मेडिकल रिपोर्ट्स. मेडिकल रिपोर्ट्स, जब हम बीमार होते हैं, अपनी बीमारी का इलाज कराने जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर चेक करके क्या करता है, एक रिपोर्ट लिखता है ना.
उस रिपोर्ट में दवाई मेडिसिन एवरीथिंग सब कुछ लिखा रहता है, तो वो रिपोर्ट्स को कहाँ प्रिंट किया जाता है, कंप्यूटर में प्रिंट किया जाता है और फिर उसे प्रिंट आउट के द्वारा बाहर निकाला जाता है। एंड नाउ फोर्थ थिंग इज टेस्टिंग आई साइट, अपने आँखों की जाँच के लिए ना, उसका परीक्षण करने के लिए, जाँच करवाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द थर्ड प्लेस इज वेयर वी यूज कंप्यूटर इज इन बैंक्स। बैंक में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन कार्यों में करते हैं अब हम वो देखेंगे। ओके, द फर्स्ट थिंग इज रिटन हियर, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर दैट मीन ग्राहक। बैंक हम क्या करने के लिए जाते हैं, बैंक में हम क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, पैसे को हम निकालते हैं, वहाँ हम अपना एक खाता बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम अपने पैसे को सेव करते हैं, राइट। तो उस खाते में, उस अकाउंट को जो रिकॉर्ड होता है ना, उस अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमने कब डाला, हमने कब निकाला, वो सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखे जाते हैं बैंक में। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स, खाता का जो रिकॉर्ड है, जो अकाउंट का जो रिकॉर्ड है वो वहाँ रखा जाता है, बैंक में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वहाँ रखा जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज गिवन हियर, चेकिंग डिटेल्स ऑफ अकाउंट ऑनलाइन। ऑनलाइन चेक करने के लिए, ऑनलाइन चेक करने के लिए कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, है ना, हमारे अकाउंट में कितने तारीख को हमने पैसा डाला, कितने तारीख को हमने पैसा निकाला, कितना डाला, वो सारे डिटेल्स वो सब ऑनलाइन चेक करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज इन ATM फॉर विदड्रॉइंग मनी। अब विदड्रॉ करने के लिए, पैसे को निकालने के लिए ATM में क्या लगा होता है, कंप्यूटर लगा होता है, आपने देखा होगा, और हम उसका इस्तेमाल करते हैं पैसे को निकालने के लिए, उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द फोर्थ प्लेस इज वेयर वी यूज कंप्यूटर इज इन सुपरमार्केट। अब हम मार्केट, सुपर मार्केट में कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज मेकिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स। बिल्स मतलब जब हम दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, हमने कौन सा सामान लिया है, कितना सामान लिया है ना, वो सारे चीज़ों को, और कौन सा सामान कितने प्राइस का है, कितना दाम का है, वो सारी चीज़ें, सारी डिटेलिंग वो प्रिंट करता है कंप्यूटर में, और उसके बाद वहाँ पर भी प्रिंट आउट के द्वारा प्रिंट को निकाल कर बिल हमें देता है, ग्राहक को देता है, कस्टमर्स को देता है ना, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स, बिल्स बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डेली सेल्स। अब रिकॉर्ड बैंक में हमने रखा था कि हमारे अकाउंट का रिकॉर्ड हम बैंक में रखते हैं, अब यहाँ पे दुकान में हम क्या चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि आज हमारे दुकान में कितने सारे सामानों का सेल हुआ है, कितना बेचा गया है, कितने सामान आज लोगों ने खरीदा है, वो सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रखा जाता है। एंड द थर्ड थिंग कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द स्टोर। अब दुकान में तो कई किस्म के सामान होते हैं, है ना, कभी खाने की चीज़ें होती हैं, पहनने की चीज़ें होती है ना, हमारे यूजेस की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किताबें होती हैं, कई तरह की चीज़ें होती है ना, तो वो सारे हमारे जो जो स्टोर में जितने भी सामान रखे हुए हैं, कौन कौन सामान है, कितना कितना सामान है, वो सारा डिटेल रखने के लिए उसका डिटेलिंग सारा कंप्यूटर में किया जाता है, सब कुछ उसके अंदर रखा जाता है, सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में रखे जाते हैं। नाउ द फिफ्थ प्लेस वेयर वी यूज कंप्यूटर इज इन ऑफिस। एंड द फर्स्ट थिंग इज टाइपिंग लेटर्स। कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है जिसमें सारे लेटर्स ABCD सारे नंबर्स 0 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ऑल द सिम्बल्स लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जितने भी सिम्बल्स होते हैं वो सब कुछ कीबोर्ड में लिखा हुआ होता है, जिसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ टाइप करना है, कोई लेटर्स टाइप करना है, नंबर टाइप करना है, कोई सिंबल टाइप करना है, तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा हम कंप्यूटर में लिख सकते हैं। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स के बारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट कितने आए उनका रिपोर्ट बनाया जाता है, बैंक में अकाउंट्स के रिपोर्ट बनाए जाते हैं,
मार्केट में दुकान में रखी चीज़ों, कितनी चीज़ें हैं उनका रिपोर्ट बनाया जाता है, कितने ग्राहक आए उनका रिपोर्ट बनाया जाता है। वैसे ऑफिस में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है, जो काम करता है, वह व्यक्ति अपने काम का सारा रिकॉर्ड वो कंप्यूटर में रखता है और एक रिपोर्ट को तैयार करता है ना। तो उसके द्वारा ऑफिस के सारे काम के रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा? यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा। नाउ द थर्ड थिंग इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ऑफिशियली काम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन हमें ऑफिस में मिलते हैं, वो सारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर में उसको रिकॉर्ड को रख दिया जाता है, इंफॉर्मेशन को रख दिया जाता है, एक फाइल बना के उसमें स्टोर कर दिया जाता है। तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे सेव हो जाता है, फिर आप उसे कभी भी खोल कर आप उसे पढ़ सकते हो। तो आप इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के द्वारा स्टोर कर सकते हो। नाउ द फोर्थ थिंग इज कीपिंग रिकॉर्ड्स। कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड दैट मीन्स ऑफिशियली काम में, ऑफिस के कामों में जितने काम किए जाते हैं उन सारे कामों के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर में रखा जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने ईमेल को किसी को भेज भी सकते हैं और किसी के द्वारा भेजे हुए ईमेल को रिसीव भी कर सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। आई टोल्ड यू बिफोर, कंप्यूटर के कीबोर्ड में नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल ना, जिसके द्वारा कैलकुलेशन किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है ना। जैसे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं तो उसका नंबरिंग कर लेना है ना, तो वो सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेशन भी आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हो। एंड द सिक्स्थ प्लेस वेयर वी यूज कंप्यूटर इज एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, राइट। एंड द फर्स्ट थिंग इज गिवन हियर, displaying arrival and departure timing, displaying arrival and departure timing। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके यात्रियों को बताया जाता है कि ट्रेन रेलवे स्टेशन में, ट्रेन आती है राइट, तो ट्रेन रेलवे स्टेशन में या एरोप्लेन कहाँ आती है, एरोप्लेन एयरपोर्ट में आती है, तो एरोप्लेन एयरपोर्ट में कब आने वाली है, ट्रेन रेलवे स्टेशन में और एरोप्लेन एयरपोर्ट में कब आने वाली है। अराइवल दैट मीन्स आने का समय, उनके आने का समय बताती है। रेलवे स्टेशन में और एयरपोर्ट में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उस स्क्रीन में यात्रियों को दिखाया जाता है कि आपकी ट्रेन के आने की समय क्या है। एंड द डिपार्चर टाइमिंग, डिपार्चर दैट मीन्स जाने का समय, उसके प्रस्थान का समय, प्रस्थान दैट मीन्स जाने का समय कि ट्रेन आपकी कब जाने वाली है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो उसके द्वारा कंप्यूटर के इस्तेमाल के द्वारा बताया जाता है। And the second thing is booking tickets and keeping records of passengers। जो passengers होते, passengers that means यात्री जो यात्रा कर रहे हैं, तो उनके सारे records को जो booking tickets मतलब जो ticket book करते हैं ना, ticket जाने से पहले, हम यात्रा करने से पहले ticket की booking कराते हैं, तो वो ticket की booking का record computer में रखा जाता है और कितने लोग आज यात्रा कर रहे हैं, कितने यात्रियों ने ticket लिया, वो सारे records computer में रखे जाते हैं, तो उसके लिए इसका कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज चेकिंग लगेज। जब हम सफ़र करते हैं, जब हम यात्रा करते हैं, तो रेलवे स्टेशन में भी और एयरपोर्ट में भी एक चेकिंग टनल होता है जिसके दौरान, जिसके अंदर हम अपने सामान को रख देते हैं और वो क्या होता है, उसको चेक किया जाता है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ मॉडिफाइंग ट्रैवल अरेंजमेंट्स। जब हम यात्रा करते हैं तो जो यात्री होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, जो लड़के होते हैं, जो रिसेप्शन में काम करते हैं, वो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं उनको, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती है कंप्यूटर का इस्तेमाल, रेलवे स्टेशन में और एयरपोर्ट में, किन किन चीज़ों के लिए होती है, जो हमने देखा, फर्स्ट थिंग डिस्प्लेइंग अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग, टाइमिंग देखने के लिए, एंड द सेकेंड थिंग बुकिंग टिकट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर्स, है ना। थर्ड थिंग इज चेकिंग लगेज एंड द फोर्थ थिंग इज मॉडिफाइंग ट्रैवल अरेंजमेंट। नाउ द सेवेंथ प्लेस इज वेयर वी यूज कंप्यूटर इज इन स्पोर्ट्स।
अब खेल के दौरान, जब खेल होता है ना उसके दौरान कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट थिंग, जब आपने देखा है कि जब क्रिकेट गेम, बहुत बार आपने टीवी में देखा होगा उसे ना, जब टीवी में हम देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, स्क्रीन में क्या क्या दिखाया जाता है, कौन बैटिंग करने के लिए अभी फील्ड में आया है, कौन आउट हो गया, किसने सिक्स मारा है ना, किसने फोर मारा, किसने कितना रन बनाया गेम के लिए और कितनी टाइमिंग बची है, तो ये सारी बातें, डिस्प्लेइंग स्कोर्स, स्कोर्स मतलब रन ना, जो रन हम बनाते हैं, जो स्कोर करते हैं गेम में वो कितना बनाया गया है ना, एंड रिजल्ट ऑफ मैच, जो मैच हो रहा है उसमें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारी चीज़ हम किस में देखते हैं, एक बड़े से स्क्रीन में देखते हैं। तो वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, कंप्यूटर के यूज़ से दिखाया जाता है, कंप्यूटर के यूज़ से वो सारे डिटेल को दिखाते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है। ओके, नाउ द एट्थ प्लेस वेयर वी यूज़ कंप्यूटर इज़ इन पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ पुलिस लोग रहते हैं ना उसको पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में। एंड द फर्स्ट थिंग इज गिवन हियर, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स। अब क्रिमिनल्स, दैट मीन्स क्रिमिनल्स का क्या मतलब होता है, क्रिमिनल्स को हिंदी में अपराधी बोलते हैं, अपराधी दैट मीन्स जो अपराध करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जैसे चोर अगर चोरी करता है तो कहाँ डाला जाता है, पुलिस स्टेशन में, जेल में डाला जाता है ना उसको, अगर कोई डाका डाला है, डाकू होता है, उसको भी पुलिस स्टेशन में, जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सब क्रिमिनल्स होते हैं जो गलत काम को करते हैं, दो और जो आतंकवादी जो होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्रिमिनल्स में आते हैं, तो उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। द सेकेंड थिंग इज ड्रॉइंग स्केचेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। लाइक एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक चोर है जो घर में चोरी करके भाग गया, लेकिन भागते हुए किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया, उसके चेहरे को देख लिया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन वो क्या करता है, वो व्यक्ति जिसने चोर को देखा है वो पुलिस स्टेशन में आकर बता देता है कि मैंने चोर को देखा है। अब तो पुलिस चोर को तो पकड़ा नहीं है, उस व्यक्ति ने भी चोर को पकड़ा नहीं है, चोर तो भाग गया है, अभी वो कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन जिस व्यक्ति ने देखा है उसे, पुलिस उससे पूछते हैं कि वो व्यक्ति कैसा था। तब जो अच्छा ड्राइंग करता है ना, जो अच्छा स्केच बनाता है, उसे बैठाकर बोला जाता है कि उस व्यक्ति का बताने के लिए कि चेहरा कैसा था, देखने में वो कैसा था, तब वो क्या करता है उसके चेहरे को बनाता है। तो किस में बनाता है, कंप्यूटर में बनाता है। तो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्रिमिनल्स का चेहरे को स्केच किया जाता है, तब स्केच के द्वारा पता लगाया जाता है कि ये चोर ऐसा दिखता था, फिर उसे पकड़ लिया जाता है। तो ड्राइंग स्केचेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज इन डिफेंस, एंड हियर इज द पॉइंट इज कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। जब हम अपने काम में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे काम में और भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, हमारे काम को हम और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड कैरिंग आउट रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करना है किसी बात के लिए, लाइक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एरोप्लेन, एरोप्लेन देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, जब आकाश में रात में एरोप्लेन पार होता है या वो क्रॉस करता है तो हम उसे देखकर कितना खुश हो जाते हैं। तो कभी कभी बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है कि ये एरोप्लेन को किसने बनाया है, कौन बनाया था सबसे पहले ये एरोप्लेन। तो ऐसे बातों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में टाइप करके आप ऐसी जानकारी को निकाल सकते हो। ओके, देन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर, सम मोर पॉइंट्स आर देयर विच वी विल लर्न टुमारो, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई चिल्ड्रेन प्लीज़ वॉच अगेन एंड अगेन दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू।